देखिए साहब, एक मैटर है बहुत ज़बरदस्त जो कि सोशल साइट पर कुछ भी हो सकता है और अच्छे के लिए ही होता है, सारे सोशल साइट जितनी भी होती है। एक मैंने वीडियो डाली थी बहुत अच्छी शानदार, और जिसमें मैं एक कम्बल बांटते हुए नज़र आ रहे थे हम लोग, जिसमें एक मैंने पागल समझ के कम्बल पहनाया था। उसमें जो है वो राजू कहते हैं, हमारे कस्बा बुगरासी में 5 साल से है बस चलने, तो उसमें जो के उसको कम्बल पहनाया और उसकी वीडियो वायरल हुई, 4 लाख लोगों ने वीडियो मेरी रील पे देखी। खुर्रम अकरम के नाम से मेरा अकाउंट है जो कि वो देखने में पता चला, और उससे ये जाहिर हुआ कि उन्होंने एक मैसेज किया उसके घर वालों ने कि ये हमारा जो है ये घर का आदमी है और ये 5 साल से हम इसकी तलाश में हैं। और 5 साल से तलाश में होने के बाद जब इन्हें पता चला कि भाई ये राजू नहीं है, अब्दुलरहमान इसका नाम है, उसको मैं उन्होंने तलाश किया और मेरे पास मैसेज किया, तो वहीं देखिए रजाई में सोता है यहीं पर ही, और यहीं पर वो है। देखिए साहब, वो दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके घर वाले मेरे साथ में हैं, राजू उसका नाम है, जो कि 5 साल से वो ढूंढ रहे थे उसको, 5 साल से तलाश करने के बाद देखिए, ये देखिए ये यहाँ सोता है और इसका नाम अब्दुलरहमान है, जो कि उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए राजू, ये देखिए साहब, ये जी, ये देखिए साहब, पहचान ना कुछ अब्दुल्ला, ये देखिए साहब, इसके घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहुत अजीब माहौल है यहाँ पे ये सब, और 3-4 साल से देखिए साहब लॉकडाउन से, हाँ लॉकडाउन से। देखिए साहब, ये इनके घर के मेंबर हैं और एक ये सीन ऐसे क्रिएट हुआ, मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो छोड़ी थी इसको कंबल देते हुए, पहचान लिए घर वालों को, हाँ, और देखिए घर वाले सब साथ में हैं और इसका आधार कार्ड वगैरह ये सब लोग लेकर आए हैं, और इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ में हैं, थाना दरसेना पुलिस चौकी बुगरासी रिपोर्टिंग। तो देखिए साहब, ये 5 साल से ये बंदा गायब था, मेरी रील फेसबुक की रील जब इन्होंने देखी, मैं इसको एक ब्लैंकेट पहना रहा था, और देखिए साहब आप बेफिक्र रहिए, ये हमारा एक मेहमान की तरह हमारे घर में था साहब, और ये इनके चाचा हैं, और वीडियो चलिए आइए लेके चलिए चलिए सामी थोड़ा सा उधर बना दे चलने दे आइए 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 नहीं आइए आइए ये देखिए साहब, जो मेरी रील थी वो फेसबुक के जरिए से, ये हरियाणा की तरफ नरेला है, वहाँ के ये रहने वाले हैं, और 5 साल से ये इंसान जो है 5 साल से ये यहाँ पे मौजूद था बुगरासी के अंदर। जब इनके घर वालों ने देखा और पता चला कि साहब ये 5 साल से बुगरासी में है और राजू नाम है, जबकि इसका नाम अब्दुलरहमान बताया जा रहा। सर आइए, एक मिनट रुकिएगा सर, जरा एक मिनट रुकिएगा सर, आप इनके कौन हैं? भाई हूँ। भाई हैं आप? तो ये कब से गायब थे? ये लॉकडाउन से ही गायब थे जी। लॉकडाउन से गायब थे? हाँ जी। तो मेरी वीडियो आपने देखी? हाँ जी, हाँ जी देखी। वीडियो के जरिए से पता लगा जब, हाँ आपने मैसेज किया मुझे कि आपकी वीडियो में कम्बल जिसे मैं पिला रहा हूँ वो आपका भाई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब मेरी आपकी खुशनसीबी की बात है, और हमारे कस्बे के लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि आप हमारा मेहमान, आपका भाई जो ये हम समझते थे राजू करके, और शाप जी के नाम से यहाँ बहुत फेमस है, जहाँ चाय की दुकान पे जाता है शाप जी चाय। तो आज ये 5 साल से सब लोग सुन रहे हैं, 5 साल से बुगरासी में था और 5 साल से इनका भतीजा है ये हरियाणा से नरेला से। मेरी वीडियो जब वायरल हुई, वीडियो में इन्होंने देखा कि ये हमारा भाई है, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि खुर्रम भाई ये हमारा भाई है जिसमें आप कम्बल पहना रहे हैं। आइए सब चलते हैं, हाँ चलिए साहब आइए आइए। ये देखिए साहब, इनके चाचा जो है वो बड़े नर्वस हैं, एक मिनट दिखाइए, नरेले से हैं आप जी? जी, तो वीडियो में पता लगा आपको जी? जी, देखिए साहब बड़े मायूस हैं, आंखों में आंसू हैं, जिससे 5 साल से इनका घर का मेंबर यहाँ बुगरासी में से भटक रहा था, जो आज मेरी वीडियो के जरिए से मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरा बच्चा मिला दिया। नहीं नहीं, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं, आइए आइए आइए। तो देखिए साहब, मेरी कस्बा बुगरासी में मेहमान मेरे आए हुए हैं, आइए साहब, सामी थोड़ा आगे चला जा थोड़ा सा, देखिए इंस्पेक्टर साहब आगे आगे निकाल, चालू है? हाँ चालू रखना है। तो देखिए, तो क्या करना है साहब? आधार कार्ड वगैरह दिखा दीजिए। देखिए, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी,
और वर्दी का बहुत बड़ा रोल है इस इंसान को भी ढूंढने में, हमारा भी रोल है। और देखिए आधार कार्ड वगैरह दिखाइए इनके, ये हमारे SI साहब हैं बुगराची पुलिस चौकी से, और थाना नरसैना हमारा लगता है, मैंने सारा एड्रेस इनको बता दिया था। क्या नाम है साहब इसका? अब्दुल रहमान नाम है। ये देखिए ये भी देख के नर्वस है, देखिए एक मिनट देखिए, क्या बात है, साहब ज़्यादा नहीं दिखाना, ये देखिए अभी दिखा रहा हूँ, अभी बच्चे भाभी के साथ, इसके राजू नाम नहीं है इसका, अब्दुल रहमान नाम है। ये देखिए साहब, ये देखिए आधार कार्ड दिखा रहे साहब, वोटर कार्ड है ना इसका, वोटर कार्ड दिखा दे। तो साहब कभी कभी, हाँ कभी कभी सोशल मीडिया पे भी इतना अच्छा काम हो जाता कि वीडियो के जरिए से ये इंसान 5 साल में इन्हें मिल गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी कम्बल पहनाते हुए, इन्होंने पहचान लिया। तो साहब नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, ये पहली बार आए, चलें हाँ कम्प्लीट चल रहे हैं आप आगे, चलो चलो आइए 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 साहब आइए आइए भाई, इतने लोगों दो आइए 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 देख लो, चलिए चलिए। देखिए साहब अब हम अब्दुल रहमान हम पुलिस चौकी अब जा रहे हैं, इनको दो एप्लीकेशन लिख के देनी होगी कि हम अपने मेहमान को लेकर आए, ये चचा हैं इनके, और इनका रोना अभी आंखों से आंसू जो है वो बंद नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। देखिए साहब बड़ी उपलब्धि यहाँ पे, बड़ी सफलता जो मेरी वीडियो के जरिए से मिली है, खुर्रम अकरम मेरा फेसबुक का जो चैनल है, फेसबुक रील्स पे, ये आदमी 5 साल से मतलब लापता थे अपने घर से, और शाप जी और राजू के नाम से मशहूर थे, मैंने इनकी वीडियो बनाई कंबल देते हुए, इनके घर के जो है हरियाणा से वो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी वीडियो जब इन्होंने देखी तो मैसेंजर पे इन्होंने मैसेज किया, उसके स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने कहा कि 5 साल से हम इसको ढूंढ रहे हैं, इसका नाम अब्दुल रहमान है। तो साहब चलते हैं अभी आइए, ये आदमी चाय बहुत पीता है, चाय और बीड़ी। ये चाचा इनके, आइए आइए साहब, चाचा मिनिस्ट्री में है। तो क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन नाम है, क्या करते हैं साहब? मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ लेबर मिनिस्ट्री में। केबर मिनिस्ट्री में, वेरी गुड। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आपने जो है अपना मेंबर घर का यहाँ पे पाया हमारी बुगरासी में, बहुत बढ़िया। बेटे सामने से हट जाना, वीडियो बन रही है, देखिए कि जो है वीडियो, एक रियल वीडियो बना रहा हूँ मैं बिल्कुल, जो कि जेन्युइन है। ये इंसान जो है 5 साल से बुगरासी में था, और 5 साल से ढूंढ रहे थे घर वाले 5 साल से, ये इनके घर के मेंबर हैं, अब पुलिस, हाँ। तो साहब मेरी आप कौन बताओ? अच्छा आप भी चाचा हैं, आपका नाम? अब्दुल गफ्फार साहब है, कौन सा गांव पड़ता साहब? नरेला दिल्ली में पड़ता है ये, नरेला दिल्ली से ये यहाँ पर आए हैं, और नरेला दिल्ली से ढूंढते हुए मेरी फेसबुक की रील पर जब अभी वो डाले थे वो कंबल, हाँ हाँ कंबल डालते हुए वीडियो बनाई थी, देखा। अच्छा अच्छा, जब पता लगा जब देखा हुआ। आइए भाई जान आइए, तो साहब वीडियो आपने देखी? जी मैंने वीडियो देखी, वीडियो में देखने के बाद हमने और दूसरों को भी तस्दीक करी कि यहाँ ये हमारा ही भाई है। देखने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि चलो यार हमारा भाई 5 साल है, जिसको हम खोजबीन में तैयार थे, जिसको हम कोरोना के सोच रहे थे कि फौत हो चुका है, अब इसकी कोई उम्मीद ही नहीं, पूरी दिल्ली आसपास जो भी एरिया जहाँ से मिला हमने खूब तस्दीक करी। नहीं नर्वस मत होइए, कोई बात नहीं भाई, आपका मिल गया। अब हमें कोई उम्मीद रही नहीं, जब हमने आपकी वीडियो देखी तो दिल में एक उम्मीद सी हुई, फिर फौरन से आपको कॉन्टेक्ट किया। तो कभी कभी सोशल मीडिया पर इतना अच्छा काम हो जाता है कि वीडियो के जरिए से एक 5 साल में खोया हुआ इंसान और फैमिली को वापिस जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा पाक का एहसान करम है, और आपको बड़ा इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह इसका अजर आपको बहुत जरूर देगा, हम नहीं दे सकते उसका अजर, वो खुदा नहीं, अल्लाह देगा इसका अजर, और आपको आपकी फैमिली का मेंबर मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब मेरा तो आपने बहुत वो किया, आपके लिए आपने वो किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आपके जरिए से हमारा भाई बेटा मिल गया हमें, आपके जरिए से मिल गया ये भी आपको। देखिए साहब कभी कभी सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि कुछ गलत होता है अच्छा होता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरी वीडियो के जरिए से जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और 5 साल के अंदर जो मेंबर इनका खोया था दिल्ली नरेला से, ये यहीं पर बुगरासी में मौजूद था, चाय बीड़ी पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, तो इन्होंने मेरी वीडियो जब देखी, मैं इसको उस वीडियो में कम्बल पहना रहा था, कम्बल पहनाते में जब इन्होंने वीडियो वो देखी मेरी, तो उसके बाद जब इन्होंने वो वीडियो जो है देखने के बाद मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया,
और कहा कि ये हमारा भाई है, हमें आप अपना एड्रेस बताइए। मैंने इनको एड्रेस बताया। ये मामला है जिला बुलंदशहर में, तहसील है सियाना, तहसील सियाना में है कस्बा बुगरासी, और कस्बा बुगरासी जो है वो 12 बस्ती की राजधानी है। बुगरासी में ये इंसान राजू नाम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और बीड़ी और चाय पे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो इनके घर वालों ने फौरन मुझे मैसेज किया, मैंने कहा भाई सुनो फौरन आप आ जाइए और आज ही आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूँ, क्योंकि एक दो दिन का पता नहीं ये इंसान पता नहीं कहाँ निकल जाए क्या हो जाए, क्योंकि ऐसे आदमी की हम पैरेदारी नहीं कर सकते। हेलो भैया, बस ये अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो साहब मैं ऐसे इंसान को जो है माशाल्लाह इनके घर के भी खुश हैं और इनके जो चचा हैं वो मिनिस्ट्री में हैं और बुगरासी के लोग भी बहुत खुश हुए, बहुत सारे खुश हैं कि अपने एक मेहमान को ये लेकर जा रहे हैं, और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि साहब ये देखिए सारे मेहमान हैं। ये मैं पूछूंगा, आपका नाम फिर से बताइए एक बार। नूरुद्दीन। नूरुद्दीन साहब मिनिस्ट्री में आप जॉब करते हैं, ये आपका भतीजा है राजू। तो आपने किस जरिए से यहाँ तक पहुँचे जरा बताएंगे? ये आपका जो फेसबुक था उसमें वीडियो थी उसको देख के आए हम लोग। क्या बात है साहब। तो मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि आपका मेरी वीडियो के जरिए से, जब मिलाना होता ना अल्लाह को तो कुछ भी हो सकता है। तो यही हुआ कि ये राजू नाम से जो यहाँ पे राजू या शाब जी करके एक बोलते थे, हाँ शाब जी चाय बनाइए शाब जी, तो हमें नहीं पता था ये मुस्लिम है या हिंदू है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इंसानियत के नाते पूरी बुगरासी ने इस आदमी को इज्जत दी। जो कोई इसकी मदद कर सकता था वो करता था, ना कि बुगरासी को ये भी नहीं पता था कि ये हिंदू भाई है या मुस्लिम भाई है, लेकिन एक इंसान है और इंसान के जरिए से मदद की है लोगों ने और इसको रखा है यहाँ पर। देखिए साहब इनकी गाड़ी खड़ी हुई है और पुलिस चौकी, एक मिनट पुलिस चौकी में दो लाइन आपको लिख के देनी पड़ेंगी। तो साहब मैं अभी पुलिस चौकी तक चलते हैं ऐसे ही बात करते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें, और जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग इस टाइम अपने बिछड़े हुए हैं, नाराज होकर घर से गए हैं या कोई दिमाग से काम नहीं कर रहा, तो जो भी सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले हैं ऐसे लोगों की रील जरूर डाला करें। आज ये मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ अपनी, और बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से एक मदद पहुंची है इनके लिए कि ये राजू नाम का, ये शाब जी नाम का अब्दुल रहमान आज अपने घर वापसी कर रहा है। वो फोटो दिखाइए साहब, फैमिली का फोटो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, पुलिस चौकी के पास है, कोई बात नहीं। तो साहब चलते हैं, अभी हम लोग पुलिस चौकी में पहुंच रहे हैं, जब बताएंगे पूरे मामले की जांच। ये देखिए फोटो मेरे पास भी है राजू का, सामने सड़ जाओ। हाँ भाई अब तो घर पहुंच रहा, तू अपने हमें छोड़ के हैं। और अभी भी देखिए साहब इसका, हाँ हाँ आधार कार्ड की फोटो कॉपी भाईजान, वो फोटो तो बड़ा वाला आपके पास है। ठीक है ठीक है, चलिए साहब इधर इधर लीजिए, इधर लीजिए वीडियो, इधर लीजिए सामी वीडियो बनाते रहिए। बड़ा फोटो तो वहाँ है, ये बड़ा फोटो कोई बात नहीं। देखिए छोटा फोटो, एक छोटी सी बच्ची देखिए गोद में है, छोटी सी बच्ची यहाँ पर गोद में है, बड़े फोटो में भी ये लीजिएगा सर, लड़का है वो। बड़ा फोटो पुलिस चौकी में इंचार्ज साहब के पास, चलते हैं अभी। चलिए साहब आइए, चलो चलो। कैमरामैन सामी के साथ खुर्रम अकरम। साहब मजा आ गया, रील पर वीडियो बनाने वालों के लिए एक मैसेज मिल गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं रील्स पर उनकी वीडियो जरूर बनाया करिए आप, जो कि ये शख्स जो है हमें मिला है 5 साल में, इनके घर वालों को, इनके परिवार वालों को, जो कि इनके चचा हमारे साथ में हैं अब्दुल रहमान के, अब्दुल गफ्फार आपका नाम है, अब्दुल रहमान इनका नाम है, अब्दुल रहमान इनका नाम है और अब्दुल गफ्फार इनका नाम है। ये बहुत बड़ी सक्सेसफुली की बात है कि रील्स के जरिए से, वीडियो के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, खुर्रम अकरम के जरिए से अल्लाह ताला ने इनको मिलवाया इस आदमी से। तो साहब इन्होंने कॉल किया, मैंने कॉल करके इन्हें बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। पीछे चले जाओ थोड़ा से। तो साहब मेरा जो काम है वो यहाँ तक आपके जरिए है, अल्लाह ने मिलाना था आपके जरिए से। अरे नहीं नहीं सब अल्लाह ही मिलाता है और कुछ नहीं, बस सब ठीक ठाक। चलिए अब चाय जो हमारे होटलों की चाय तुम पीते हो शाब जी, वो कौन पिएगा ये बताइए। और बहुत लोग मोहब्बत करते थे, अब ये अपने एटीट्यूड में ही रहता है। और साहब देखिए, हाँ
मैकेनिक है जी, एक नंबर का मैकेनिक है। क्या काम करते हैं? बुलेट के मोटरसाइकिल, ये एक नंबर का मैकेनिक है। देखिए साहब, ये बुलेट के मैकेनिक है और एक नंबर का मैकेनिक बता रहे हैं भाई साहब। नरेला में पूरा नाम था इनका। क्या बात है साहब, नरेला में पूरा नाम था इसका। तो ऐसा क्या हुआ जी जो इनका दिमाग ऐसे चल गया, ऐसे घर से इन्हें गायब होना पड़ा, इसको बताएंगे कुछ इस बारे में? तो भाई ये हमें कई बार ये वो पिन लग गया था, उल्पा साल पा था। हाँ। वो दिमाग में वो हो गया था, कई बार ठीक करा है इसको। अच्छा, फिर ये अल्लाह में ठीक भी हो गया था, उसके बाद फिर ये पता क्या हुआ। चलिए साहब, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, भगवान से, कि आपके इस मेंबर को, इस परिवार के हिस्से को अल्लाह ताला सलामत रखे। रोने की कोई बात नहीं है, रोइए मत, और ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो के जरिए से नहीं मिले ये बल्कि अल्लाह ने आप तक पहुँचाया। वीडियो के जरिए से अल्लाह ने आप तक पहुंचाया, इसमें कोई बात नहीं। और मैं चाहता हूं कि इनकी सेहत वापस आ जाए, इनका दिमाग अपनी जगह सही वापस आ जाए, इंशाल्लाह फिर कराएंगे। हाँ इंशाल्लाह, चलिए भाई। हाँ जी, ये सब फैमिली से है। और देखिए साहब, बड़े पढ़ी लिखी फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है, जो इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ नरेला। कितने किलोमीटर आए आप? ये नरेला से 140-150 किलोमीटर के लिए, 140-150 किलोमीटर चल के ये यहाँ पर इसे लेना है साहब जी को, जो कि अब्दुल रहमान इनका नाम है। 140-150 किलोमीटर से मैंने इन्हें फजर की नमाज में, मैं इसकी रात भर निगरानी में रहा। जैसे ही मुझे पता चला आपकी वीडियो से, तो मैं इसको रात भर देखता रहा और रात भर यही रहा, भाई ये कहीं गायब ना हो जाए यार, मेरे जो मेहमान आने वाले हैं मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। और मैं यही सोच के इसकी निगरानी करता रहा, बार बार ये देख आया, हाँ भाई ये सोरा रजाई में, ये सोरा रजाई में, ऐसी कड़क ठंड में है और ये स्लैब पर सोना इसका रजाई में, ये बड़ी एक अलग चीज़ है। गर्मी में भी रजाई, जैकेट वगैरह, क्या मालूम दिमाग की। तो साहब मैं इसकी रात भर दिन भर रखवाली में रहा और अब भी रखवाली में ही था कि भाई ये कहीं मिस ना हो जाए यार, कभी घर वाले मायूस होकर लौटें। और साहब मैं इसे लेकर यहाँ पुलिस चौकी में पहुँचा हूँ, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बुगरासी थाना नरसेना। जो साहब यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन देंगे, आधार कार्ड देंगे इसका, तो देखते साहब। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको, आइए साहब, बस ज़्यादा भीड़ ना आए अंदर भाई, भीड़ नहीं आनी चाहिए अंदर, बस मेंबर जाएंगे भाई। एक मिनट सामी, सामी पीछे पीछे चढ़ जा पीछे, वो इसका वो आधार कार्ड और वो ले दो। हाँ अंदर लेके। हाँ हाँ ठीक है साहब। ये देखिए साहब, मैं अब जो एंट्री कर रहा हूँ रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बुगरासी, जो कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। आ जाइए साहब, देखिए हमारे दीवान जी बैठे हैं। तो देखिए साहब, सारी कार्रवाई सब चीज़ पूरी हो चुकी है, लिखत पढ़त पूरी हो चुकी है। ये हमारे दीवान जी पुलिस चौकी इंचार्ज यानी बुगरासी में दीवान हैं, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बुगरासी, जो कि थाना हमारा नरसेना, ये इनके परिवार के लोग हैं और इसको 5 साल में हमारी बुगरासी से इस मेहमान को ले जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे साहब? ये हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं बुगरासी के, आपके और पुलिस साहब के। आई एम सो वेरी वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। पुलिस तो सबकी मदद करती है, जो लोग पुलिस को बुरा कहते हैं, मैं एक बात बता दूं कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, और रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। ये रात के 2-2 बजे पूरी रात पहरा देते हैं, जब जाके हम सुकून से सोते हैं। तो साहब कैसा लगा आपका परिवार? देखिए इसको 5 साल से हम लोग खोज रहे थे। अच्छा, पूरा कोरोना निकल गया और उम्मीद भी नहीं थी कि हो सकता है अब डेड या लाइफ, कोई उम्मीद हमें नहीं थी। जब हमें वीडियो देखी तो हमें मालूम हुआ कि हाँ भाई ये जिंदा है, और हमने फौरन तुरंत आपसे कांटेक्ट किया, और जब हमें उम्मीद लग गई कि हाँ भाई है, तो हम फौरन लेके उनको लेने के लिए वहाँ से चल पड़े, और यहाँ के देखा तो बड़ी खुशी मिली, और जो उम्मीद नहीं थी वो पूरी हुई। क्या नाम है इनका? इनका नाम अब्दुल रहमान है। आप इनके कौन लगते हैं? मैं इनके ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ के लड़के जी साहब। आप इनके? मैं साहब चाचा हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, तो कैसा लग रहा साहब आपको? बस अब सब लोग बस पूछो। अच्छा भाई, आप भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान, सगे भाई हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, सगे भाई, हैं। हाँ जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे बुगरासी में हमारी बड़ी के साथ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। जो किस तरीके से पहुंचे यहाँ तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और पूरे जो पुलिस स्टाफ है जो सब कुछ बढ़िया किया है। आप अगर वीडियो नहीं डालते कैसे पता चलता? आप लोगों की वीडियो की वजह से ही मिल पाया ये, अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत साहब। तो मैं यहीं से अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, जो भी वीडियो इसको शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक ऐसा काम हुआ हमारे बुगरासी में ये 5 साल से,
जो कि एक चाय और बीड़ी पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, 5 साल से गायब था। मैं आपको पूरा हवाला दे देता हूँ कि मेरा फेसबुक पे खुर्रम अकरम के नाम से एक चैनल है और खुर्रम अकरम के नाम से मैं वीडियो बनाता हूँ। करीबन 7,13,000 फॉलोवर्स इस वक्त मेरी पेज पर मौजूद हैं। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, हम गरीबों में कंबल बांट रहे थे, तो मैंने इसको कंबल पहनाया। राजू नाम सब में फेमस है बुगरासी में, और कंबल पहनाने के बाद जो इनके घर वालों तक ये वीडियो पहुंची, फिर इन्होंने मुझे मैसेंजर पे कॉल की और मैसेंजर पे इसका फ़ोटो भेजा कंबल पहनाते हुए, कह भाई ये हमारे 5 साल से हमें नहीं मिल रहा, आप इसे वहीं रोक कर रखना, आपकी वीडियो के ज़रिए से हम अपने भाई तक पहुँच जाएंगे। तो साहब ये बहुत खुशी की बात है बुगरासी वालों के लिए और परिवार के लिए, और दीवान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कार्रवाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत सामी, थैंक यू। चल चालू कर। ये देखिए साहब, ये वही राजू है जिसे अभी लेके आए थे लाल जैकेट में, और इसके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसकी विदाई का टाइम है और ये हमारे 5 साल बुगरासी में रहकर और यहाँ से जा रहे हैं। राजू मतलब राजू नहीं नाम बल्कि अब्दुल रहमान नाम है, जो कि हमारे कस्बा बुगरासी जिला बुलंदशहर में तहसील सियाना है, और तहसील सियाना में हमारी 12 बस्ती में एक कस्बा है बुगरासी, जो कि राजधानी है कस्बा बुगरासी 12 बस्ती की। यहाँ पे ये 5 साल से ये रहते थे। आइए साहब, भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आइए, ये परिवार के लोग हैं, देखिए एक रिक्वेस्ट है, आइए भाईजान, आइए सामी थोड़ा दूर से ले वीडियो। देखिए साहब, आप लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि आपका भाई आप तक पहुँच गया, आपका मेहमान आप तक पहुँच गया, आप मेरे लिए बस इतनी दुआ कर दीजिए, मेरी सेहत और मेरी इज्जत हमेशा बनी रहे, बस और कुछ नहीं। पैसा तो हम कमा ही लेंगे यार, जैसे भी अगर सेहत रहेगी पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत और सेहत के लिए मेरी दुआ करना इंशाल्लाह। मैं भी बड़ा नर्वस हुआ आपको देख के, और मेरे भी मतलब एक इमोशनल, जैसे समझिए कि आप अपनी अमानत ले जा रहे हैं और मेरे ज़रिए से आपकी अमानत मिली, तो आप मेरी सेहत और इज्जत के लिए दुआ कर दें इंशाल्लाह। पैसा तो आना जाना यार, पैसे से कोई इज्जत विज्जत नहीं बढ़ती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाए और सेहत दे सबको इंशाल्लाह। थैंक यू, चलिए बैठिए साहब, चलिए इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह, अल्लाह में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे अल्लाह। ये दोनों भाई हम आजकल कहते हैं, बैठो। देखिए साहब, पूरी बुगरासी की जनता जो है बड़े प्यार से मोहब्बत से जो है अब्दुल रहमान को विदा कर रही है। देखिए उधर से आइए, ये देखिएगा साहब, बैठो। अब याद करेगा नहीं है भाई? सलाम कर, याद करेगा नहीं? याद तो करेगा। ठीक है साहब, बैठिए साहब, बैठिए, चलिए साहब बैठिएगा साहब, थैंक यू शुक्रिया, चलिए बैठिए। अच्छा जनरल, जनरल चलिए साहब, ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भाई गाड़ी पर बैठिए, बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बैठिए बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत बहुत किया जी, बैठिए भाई, आपके जरिए से बस अल्लाह ने मिला दी। ठीक है भाई शकील भाई, ठीक है जी, ठीक है भाई जान, ये बाइक हटाना, बाइक सामने से, ठीक है सब, बैठिए बैठिए सर, बैठिए भाई, बाइक किसकी भैया? सामी जरा आगे से आ जा, हाँ चलिए साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच, चलिए साहब। हाँ भाई राजू, हाय